नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शैली सिंह और आप देख रहे हैं ऑल इन द टिप्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 मजेदार एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं जो हमेशा मेरे मोबाइल में रहती हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने वो 10 की 10 एंड्रॉयड ऐप्स आपके सामने शेयर करूं, और आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। उनका 10 का 10 ऐप्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। काफ़ी मज़ेदार ऐप्स हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी आ सकती हैं वो ऐप, 10 की 10 एंड्रॉयड ऐप्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको उन्हें यूज़ करना है और वो कौन सी 10 मज़ेदार एंड्रॉयड ऐप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 10 मज़ेदार एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी ये 10 की 10 ऐप्स जो है आपके सामने शेयर करूँ, और आपके काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं ये 10 की 10 ऐप्स जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो इसमें खास बात तो ये है कि आपको इसमें प्रैंक की ऐप्स भी मिल जाएंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऐप्स भी मिल जाएंगी, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो आपके सामने मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन 10 के 10 ऐप्स का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आसानी से वहीं से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की सभी 10 जो ऐप्स हैं जो गूगल प्ले में उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी ऐप आ जाती है डोंट टच माई फ़ोन। तो मुझे काफ़ी बढ़िया ऐप लगी है ये, 2 MB का साइज़ और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त काम है इसका। तो मैं आपको इसका काम के बारे में बता देता हूँ कि मतलब अगर आपने अपना मोबाइल जो है वो चार्जिंग में लगा दिया है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो कोई टच ना करे, अगर बच्चा बुच्चा कोई भी मोबाइल आपका टच ना करें, कहीं भी आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की, आप अपने मोबाइल को एक टेबल पर रख देते हैं तो आप देखते हैं कि साइड में काफ़ी ज़्यादा बच्चे वगैरह हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल कोई टच ना करे बच्चा, तो आप इस ऐप के ज़रिए एक अलार्म फिट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल कोई भी टच करेगा तो एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे फ़ोन से जो है छेड़छाड़ी की गई है। तो किस तरह से, तो सिंपल आपको सेटिंग्स पे जाकर आप अपनी मतलब अलार्म टोन वगैरह सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद आती है। तो मैं कोई भी फिट कर लेता हूँ, तो चलिए मैं ये वाली फ़िट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने ये अलार्म फिट कर दिया है। तो सिंपल आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है और आपका अपना मोबाइल है वो टेबल पे रख देना है। तो चलिए जो है वो एक्टिवेट हो चुका है ये इस समय। अगर आपका मोबाइल अभी कोई भी टच करेगा तो आपको एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जैसे कोई भी बच्चा आपका मोबाइल को टच करता है तो एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरे फ़ोन से वो छेड़छाड़ी की गई है। तो चलिए मैं टच करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने मोबाइल को आपने टच किया तो एक अलार्म बजना शुरू हो गया, और अब पकड़ सकते हैं आप उस आदमी को जिस आदमी ने आपके मोबाइल को टच किया है आपसे बिना पूछ के। तो ये ऐप काफ़ी ज़्यादा आपके काम आ सकती है फ्यूचर में। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड ऐप के बारे में जो आपको और भी ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी सेकंड ऐप कौन सी आ जाती है, सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर। तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीक्रेट तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं इस ऐप के ज़रिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। मैंने इसका ट्यूटोरियल पहले भी बनाया है, तो जिन्हें नहीं पता है तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर को। आपको जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आपको सिंपल सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर पर क्लिक करना होता है, आप फास्टली जल्दी से जो आप वीडियो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो ऊपर लग चुकी है सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए। तो आप अपने मोबाइल को बिना कैमरा ओपन किए जो है वो वीडियो बना सकते हैं, किसी की चुपके से वीडियो बना सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। तो आप इसको कैसे यूज़ करते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए जो रिकॉर्डिंग है वो इस समय चल रही है, मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ, जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो इस समय गैलरी में सेव हो गई होगी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह वो सेव हो गई थी गैलरी में। तो हम गए गैलरी में, तो आप देख सकते हैं ये सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर का एक फोल्डर बना और वहाँ पर एक वीडियो बन गई। तो आप देख सकते हैं कि ये सीक्रेट तरीके से वीडियो बनाई गई है जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है आपके आगे फ्यूचर में। तो देख सकते हैं आप, तो इसी तरह ये आप सेकंड ऐप जो है सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर है जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। तो ये काफ़ी लाभदायक ऐप है, तो आप इसका यूज़ कैसे करते हैं तो ये ऐप पर डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं थर्ड ऐप के पास। आपकी थर्ड ऐप आ जाती है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये आपके कैसे काम आती है, आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप एक यूट्यूबर हैं मतलब आपके पास PC नहीं है तो आप सिंपली अपने मोबाइल में जो है स्क्रीन वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके पास कैमरा नहीं है तो आप सिंपल जो है अपने
स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपनी वीडियोस वगैरह वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती हैं और ये विदाउट रूट पे काम करती है ऐप एज एट स्क्रीन रिकॉर्डर। तो आप सिंपली अपनी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया तो जो देखिए जो स्टार्ट होने वाली है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आसानी से वहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है एज एट स्क्रीन रिकॉर्डर को के बारे में। तो आप सिंपल स्टॉप पे क्लिक करता हूँ मैं, जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो सेव हो चुकी होगी एज एट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी सेव हो गई थी एज एट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं जो है मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो बन गई है। तो आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एज एट स्क्रीन रिकॉर्डर को। तो ये थी आपकी थर्ड ऐप। अब चलते हैं फोर्थ ऐप के बारे में, तो जो चलिए शुरू करते हैं। और आपकी फोर्थ ऐप आ जाती है फेक चैट कन्वर्सेशन। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप एक फेक चैट क्रिएट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में, और आप किसी के साथ भी उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर आप उसके साथ प्रैंक कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं। वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चैट है वो क्रिएट करते हैं और किस तरह का प्रैंक आप करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो इसका गलत यूज़ आप बिल्कुल भी मत करिएगा फेक चैट कन्वर्सेशन का। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी है ये ऐप फेक चैट कन्वर्सेशन। आप मज़े के साथ किसी की भी फेक चैट क्रिएट कर सकते हैं और आप उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी फोर्थ ऐप। तो चलिए फिफ्थ ऐप के बारे में आपको बता देते हैं कि फिफ्थ ऐप कैसी है और कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी पाँचवीं ऐप आ जाती है स्मार्ट किट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ऐप है, मानना पड़ेगा इस डेवलपर वालों को कि कैसी ऐप बनाई है उन्होंने ये स्मार्ट किट। सिर्फ 4 MB की ऐप है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऐप्स मिल जाती हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्ट किट को। तो इस स्मार्ट किट में आपको क्या क्या मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मिलता है नोट पैड मिलता है, आपको ट्रांसलेटर मिलता है, आपको एक एक्सरसाइज के लिए मिलता है, फ्री म्यूज़िक मिलता है, फाइल मैनेजर मिलता है, आप ऑडियो वगैरह ट्रिम कर सकते हैं, माइक्रोफोन। आपको इसमें 32 ऐप मिलती हैं जो काफ़ी स्मार्ट ऐप्स हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा हमेशा काम आएंगी वो ऐप्स। तो ये 4 MB का सॉफ्टवेयर है स्मार्ट किट, तो आप दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 10 की 10 ऐप के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जो मैंने पहले बता दिया है, तो आप आसानी से वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्ट किट को भी। तो ये थी आपकी पाँचवीं ऐप। तो चलिए अब चलते हैं सिक्स्थ ऐप के पास, और आपकी छवीं ऐप है गिफ्ट मेकर। तो आपने सुना ही होगा गिफ्ट के बारे में, जो आपको व्हाट्सएप में काफ़ी ज़्यादा आजकल आते हैं। जैसे एक मतलब वीडियो होती है, मतलब वो एक वीडियो जो है वो फ़ोटोज़ के ज़रिए होती हैं, फ़ोटोज़ द्वारा जो है वीडियो बनाई जाती है गिफ्ट मेकर, जिसे हमें गिफ्ट बोलते हैं। तो आप गिफ्ट मेकर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके काम आती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान है इसे यूज़ करना। जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं अपनी गैलरी से कोई तस्वीरें सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई तस्वीरें मतलब सेलेक्ट कर ली, अगर एक ये कर लेते हैं, एक ये तो मैं इसका गिफ्ट बना देता हूँ। सिंपल मेरे मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो मेरा गिफ्ट है वो तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में ही। तो आप देख सकते हैं जो मेरा गिफ्ट है वो तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो है एक वीडियो बन गई है, फ़ोटो की जो है वो वीडियो बन गई है। तो आप आसानी से इसे सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद आप इसे वगैरह मतलब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में डायरेक्टली भी। अपने जो है वो आप अपने हिसाब से अपने गिफ्ट बना सकते हैं और उनका पूरे का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। तो ये थी आपकी गिफ्ट मेकर, जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है ऐप। तो ये आपकी छवीं ऐप थी। तो चलिए अब हम सातवीं ऐप के बारे में बताते हैं। तो आप गिफ्ट मेकर को भी दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सातवीं ऐप के पास चलते हैं, और आपकी सातवीं ऐप आ जाती है फेक टेक्स्ट मैसेज। तो आप अपने आप को ही मतलब एक फेक मैसेज क्रिएट करके अपने आप को ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, फेक मैसेज जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फेक टेक्स्ट मैसेज पे, तो आप अपने मतलब अपने आप को फेक मैसेज कर सकते हैं और आप प्रैंक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ। तो आपको सिंपल आपका यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डालना होता है, आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालिए और अपना टाइम डाल दीजिए कि आपको कब मैसेज को रिसीव करना है। तो मैं चलिए डाल देता हूँ, यही रहने देते हैं हम। तो ये थी आपका, आप डेट एंड टाइम को सेट कर दीजिए कि आपको कब मैसेज रिसीव करना है। और आपका आ जाता है थर्ड आ जाता है कि आपको इनबॉक्स में चाहिए जहाँ आपको सेंट मैसेज चाहिए, तो कुछ भी। तो चलिए मैं इनबॉक्स पे ही रहने देता हूँ। तो जैसे मैं मैसेज टाइप करता हूँ हाय आई एम शैली, तो जैसे मैं इसको ये मैंने मैसेज टाइप कर लिया और मैं फेक मैसेज फेक पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे मैंने फेक पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया और मुझे एक फेक मैसेज जो है वो सेंड हो गया होगा, तो और मुझे वो मेरे मैसेज इनबॉक्स में आ गया होगा।
तो आप देख सकते हैं कि एक मैसेज था जो मुझे इस नंबर से आया है। तो आप कोई भी नंबर उस फेक टेक्स्ट मैसेज में भर सकते हैं और आप फेक मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। तो ये भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रैंक कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है ये फेक टेक्स्ट मैसेज। तो काफ़ी लोगों ने इसका रिव्यू भी किया, मैंने काफ़ी पहले ही कर दिया था इसका रिव्यू। तो ये थी फेक टेक्स्ट मैसेज, जो आपकी 7वीं ऐप थी जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। काफ़ी मज़ेदार ऐप है ये भी। तो चलिए 8वीं ऐप के बारे में आपको बताते हैं। और आपकी 8वीं ऐप आ जाती है डम्पस्टर फोटो एंड वीडियो रिस्टोर। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऐप है आप सभी के लिए। अगर आपने गलती से अपनी फ़ोटोज़ या वीडियो वगैरह डिलीट कर दी है और आप चाहते हैं कि आप उसे फिर से दोबारा ला पाएँ, तो आप किस तरह से उसे ला सकते हैं, तो आपको सिंपल डम्पस्टर को इंस्टॉल करना है। अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह डिलीट कर देते हैं तो आपको वो रिसाइकल बिन का काम करता है, जैसे पीसी में करता है। आप कोई भी फ़ोटो वगैरह डिलीट करते हैं तो आपकी जो सिंपल डम्पस्टर में आ जाती है और आप सिंपल वहीं से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डम्पस्टर ओपन कर दिया है, तो इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो चलिए मैं गैलरी से कोई भी फ़ोटो वगैरह डिलीट करता हूँ तो वो सीधी आकर यहाँ पे आपकी आ जाएगी, डम्पस्टर में आ जाएगी और आप डम्पस्टर से ही सिंपली रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैं कोई भी फ़ोटो को डिलीट करता हूँ, जैसे अपनी कोई भी फ़ोटोज़ को, अपनी स्कूल वाली फ़ोटोज़ को ही डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने की स्कूल वाली फ़ोटो डिलीट, ये होगी डिलीट। डिलीट करने के बाद एक फ़ोटो बची है, तो चलिए इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये होगी मेरी 2 फ़ोटोज़ डिलीट। तो इस समय जो स्कूल वाली फ़ोटोज़ हैं वो तो डिलीट हो चुकी हैं, वो सिंपली डम्पस्टर में आ चुकी होंगी। तो मुझे सिंपली डम्पस्टर को ओपन करना है, तो मैंने किया डम्पस्टर को ओपन। तो आप देख सकते हैं वही 2 फ़ोटोज़ जो मैंने डिलीट की थी। तो आप सिंपल उसी उन दोनों फ़ोटोज़ को है वो रिस्टोर कर सकते हैं मज़े के साथ। ये थी मेरी 2 फ़ोटोज़, और मैं इसे सिंपल रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं रिस्टोर ऑल, जैसे मैंने रिस्टोर ऑल पे क्लिक किया, जो मेरी फ़ोटोज़ हैं वो फिर से रिस्टोर हो चुकी हैं और वो सिंपली गैलरी में आ चुकी हैं जहाँ से मैंने वो डिलीट की थी। जैसे मैं गैलरी ओपन करता हूँ तो देखिए वो 2 फ़ोटोज़ दोबारा वापस आ गई। तो ये थी आपकी 8वीं ऐप। तो आप अपनी जो डिलीटेड वीडियोस या फोटोज़ वगैरह को है वो रिस्टोर कर सकते हैं अगर आपने गलती से कर दी है। तो चलिए चलते हैं 9वीं ऐप के पास। और आपकी 9वीं ऐप है स्ट्रॉन्ग एंटी मॉस्किटो प्रैंक। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं इस ऐप से जो है मच्छर हैं वो मर जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस ऐप से जो है मच्छर मरते हैं, लेकिन जो लोग हैं इस ऐप से जो वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जनरेट करती है जिसकी वजह से आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी के सामने भी ये ऐप ओपन करके अगर चालू करते हैं तो वो एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जनरेट करेगी जो दूसरों के कानों में काफ़ी ज़्यादा चुभेगी। और ये काफ़ी प्रैंक ऐप है और आप इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और कहते हैं कि इस ऐप से जो है वो मच्छर भी मर जाते हैं। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं खुद भी। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ आउटडोर पे, तो काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में जो है वो साउंड निकली थी जो मेरे कानों में दर्द करना शुरू कर दी है मेरे कानों ने अब। तो काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में जो साउंड निकलती है, और आप इसके जरिए किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं और उसे गुस्सा तो दिला सकते हैं, लेकिन आप दूर ही रहिएगा, ऐसा गुस्सा मत दिलाइएगा। तो ये थी आपकी जो क्या थी एंटी मॉस्किटो ऐप। तो आप इसके ज़रिए मच्छर भी मार सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 9वीं ऐप। तो चलिए अब चलते हैं 10वीं ऐप के बारे में, जो आपकी लास्ट ऐप है 10th ऐप 10वीं ऐप। तो चलिए 10वीं ऐप के पास चलते हैं। और आपकी लास्ट ऐप है हिडन आई कैच योर फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी बढ़िया ऐप है। अगर आपका मोबाइल लॉक्ड है और आपका पैटर्न खोलने की कोई कोशिश कर रहा है, तो अगर वो गलत पैटर्न लगाता है तो उसकी फ़ोटो सीधी फ्रंट कैमरा से खींची जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके फ़ोन का जो है लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। तो आप समझ ही गए होंगे मतलब कि हिडन आई कैच योर फ्रेंड्स, तो मतलब एक छुपी हुई आई और जो आपके दोस्तों को पकड़ सकती है। तो चलिए हम इसे सिंपल ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आप इसकी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं किस तरह की है, और आप सभी सेटिंग्स में क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद आपको लास्ट ऑन कर देना है इसको। तो इस समय ये ऑन हो चुका है, एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है सिंपल, और इस समय जो है आपकी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो जैसे मैं लॉक लगा देता हूँ, इस समय जो है हिडन आई वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपका पैटर्न कोई भी आपका दोस्त खोलने की कोशिश करता है तो वो पकड़ा जाएगा। तो जैसे मैं कोई भी गलत पैटर्न लगाता हूँ, इस समय कोई भी गलत पैटर्न लगाते हैं तो इस समय जो मेरी तस्वीर है वो खींची गई होगी। इस समय जो मेरी तस्वीर है वो क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस समय रात को वीडियो बना रहा हूँ तो फ्रंट कैमरे की कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी।
तो चलिए, जो मैंने पैटर्न था वो गलत लगाया था दो चार बार, तो अब मुझे पता चल जाए जो मेरी वो तस्वीर खींची गई होगी हिडन कैमरा में। तो चलिए हम गैलरी में जाते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारी तस्वीर खींची गई थी मैंने गलत पैटर्न वगैरह लगाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हिडन कैमरा, तो आप देख सकते हैं जो हिडन कैमरा की वो पिक्स वगैरह आ चुकी हैं जो मैंने पैटर्न खोलने की कोशिश की थी अभी। तो दो चार बार मैंने पैटर्न लगाया था गलत, तो मेरी जो तस्वीर है वो खींची गई थी। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी पैटर्न गलत लगाने की, आपका कोई भी लॉक खोलने की कोशिश करता है तो वो पकड़ा जाएगा हिडन कैमरा की ऐप की वजह से। तो ये ऐप काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगी, तो मुझे यकीन है कि आपको ये 10 की 10 ऐप्स जो है बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आप इन 10 ऐप्स को जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है 10 का 10 ऐप्स का, तो आप आसानी से वहीं से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सभी ऐप्स जो हैं वो गूगल प्ले में उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से वहीं से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़ चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप ये अभी तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें।